guys, welcome to my YouTube channel. Excuse me please, और मैं हूँ कृति. And सबसे पहले happy Holi, क्योंकि होली में बिल्कुल भी time नहीं बचा है. And मैंने कुछ videos डाले होली के ऊपर, then मुझे लगा कि मुझे ये video भी डालना चाहिए, क्योंकि मैंने किया है अपने drawing room का makeover and it's specially for Holi purpose guys. So guys, मेरे लिए होली का मतलब बचपन से रहा है white white white, मतलब व्हाइट कपड़े पहनना, व्हाइट पर्दे लगाना एंड हर कुछ व्हाइट व्हाइट करना, ताकि जो हमारे कलर्स हैं वो उभर के आए. व्हाइट के ऊपर जो होली के रंग है वो काफी उभर के आते हैं. सो मैंने अपने ड्राइंग रूम मेकओवर के लिए भी सोचा कि कुछ व्हाइट व्हाइट खरीदूं एंड मैंने मंगाया एक सोफा कवर का सेट विच इज फ्रॉम अमेजोन एंड ये मुझे बहुत ही पसंद आया गाइज. यू कैन चेक इट आउट एंड यू कैन ट्राई इट आउट गाइज, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो. यू कैन सी दिस सोफा, इस पे मैंने ठंडी में डाल रखा था एक थ्रो जो कि ब्लैक कलर का था. इससे मेरा ये सोफा प्रोटेक्टेड था फ्रॉम डस्ट एंड ऑल, बट अभी गर्मी आ गई है एंड ये पूरा डस्टी हो रहा है गाइस. सो मुझे इसके ऊपर कुछ डालना था एंड प्लस मुझे अपने ड्रॉइंग रूम को होली रेडी भी करना था. सो आई थॉट टू बाय समथिंग एंड व्हाट आई बॉट, आई विल जस्ट रेफर माय मोबाइल, आई हैव टू रेफर अमेजोन ऐप, देन मैं आपको बताती हूँ. सो मैंने मंगाई है एक सोफा कवर एंड इट्स अ 12-piece सोफा कवर गाइस एंड जो सेलर है वो है यूनिक प्रोडक्शंस एंड इट सेज कुरुशिया सोफा कवर फॉर लिविंग रूम एंड इट्स इन द कलर प्योर व्हाइट गाइस एंड इसकी एमआरपी है 599 विच इज क्वाइट रीजनेबल. इट वॉज आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 70%. टोटल जो इसकी एमआरपी थी वो 1,990, बट 70% इन्होंने डिस्काउंट दिया एंड आई गॉट इट फॉर 599 rupees. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, यू कैन चेक इट आउट. एंड इसमें मुझे मिला है दो लंबा वाला पीस, देन पीछे डालने के लिए सिंगल सिंगल पीसेस. एक्चुअली मेरा सोफा एल शेप्ड है, बट मैंने जो सोफा कवर मंगाया है वो नॉर्मल सोफा सेट का है, बट गाइस ये मेरे सोफा पे परफेक्टली फिट होने वाला है. तो मैं अभी आपको उसे खोल के दिखाने वाली हूँ कि वो कैसे है, कितने पीसेस हैं, क्या साइजेस हैं एंड ऑल, एंड फिर करूंगी मैं अपना ड्रॉइंग रूम मेक ओवर. तो गाइस जो सोफा कवर आया है वो इस तरह की पैकेजिंग में आया है एंड इसके ऊपर था अमेजोन का नॉर्मल रैपर. तो मैं इसे खोलती हूँ. तो सबसे पहले जो मेरे हाथ में पीस आया है वो ये है एंड इट कैन बी यूज एज आर्म कवर और पीछे भी मैं डाल सकती हूँ. अभी मैं जब डाल के आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी देन यू विल अंडरस्टैंड. एंड इसके कितने पीसेज आया है लेट मी काउंट. एक ये पीस, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आई थिंक आई हैव गॉट 5 ऑफ दीस आर्म कवर्स एंड उसके साथ मुझे मिला है ये लंबा 3-seater सोफा का बैठने वाला कवर एंड एग्जैक्टली सिमिलर एक और पीस जो कि है पीछे डालने वाला, बट मैं करूंगी कुछ अलाइनमेंट अपने एल शेप्ड सोफा के लिए एंड बनाऊंगी इस नॉर्मल से सोफा कवर को एल शेप्ड सोफा रेडी. तो जो मैं मेकओवर करने वाली हूँ मुझे एक्चुअली कैमरे के पीछे जाना होगा आपको दिखाने के लिए एंड देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ आई एम गोना डू दैट. गाइस अभी मैं बैठी हूँ अपने सोफे पे एंड मैं आपको फ्रंट व्यू दिखा दूँ फ्रॉम सोफा. दिस गेट इज माय एंट्रेंस गेट एंड इसके सामने जो भी ये रखे हैं एंड वो पावर प्लग आपको नोटिस हो रहा होगा, आई शो इट फ्रॉम क्लोजअप. ये जगह है मेरे टीवी के लिए, आई डोंट नो वो कब लगने वाला है बट वो जगह मैंने पहले से बुक करके रखा है. एंड ये जो सामने की चीज़ें हैं इसमें मैं कुछ भी चेंजेस नहीं करने वाली हूँ, ये ऐसा ही रहने वाला है. सो अब मैं जाती हूँ ऑपोजिट साइड ऑफ माई ड्रॉइंग रूम. सो गाइज जो चेंजेस होने वाले हैं वो इतने एरिया में होने वाले हैं. जो मैं ये पार्ट है इसे मैं होली रेडी करने वाली हूँ इस जगह को एंड मैं अपने सोफे पे डालने वाली हूँ सोफा कवर एंड एज यू कैन सी इट्स एन एल शेप्ड सोफा एंड ये मेरा टेबल है विच आई रियली रियली लाइक, आई विल शो इट फ्रॉम फ्रंट. एंड ये फिश शेप का है एंड इसके ऊपर मैं कोई भी कवर नहीं लगाने वाली हूँ गाइज. सो चलिए मैं अब करती हूँ अपने ड्रॉइंग रूम को होली रेडी.
फाइनली मेरा रूम रेडी है गाइस एंड मैं थक गई हूँ. आई नो थोड़ा सा ही काम था बट स्टिल मैं थक गई हूँ. कुछ चीज़ों की बात करो तो मैं आपको दिखा दूँ कि मेरे कर्टन्स ऑलरेडी वाइट हैं, तो मैंने बस इन्हें धोकर टांग दिया है वापस से. एंड इस जगह पर मैंने चेंज किया है, मैंने डाला है एक ये कलरफुल सा फ्लावर वास जो कि मेरे रूम के दूसरे एरिया में था. इट वॉज नियर माई डाइनिंग टेबल, उसे मैंने यहाँ लाया है. एंड यहाँ पे मैंने नॉर्मल बाउल्स में रखे हैं अबीर. ये मेरे नॉर्मल से बाउल थे, मैंने कुछ भी खरीदारी नहीं की है अबीर रखने के लिए. एंड इट्स स्मेलिंग सो गुड गाइस. एंड जो मेरा फाइनल लुक है सोफे का वो ऐसा दिख रहा है. एंड मैंने अपने टेबल पे रखा है ये दो, इसमें है ड्राई फ्रूट्स जो कि मेरे जो गेस्ट आएंगे दे कैन हैव देम. एंड ये मेरा खिड़की का पार्ट है, यहाँ पे भी वाइट कर्टन्स लगे हैं जिसे मैंने धो के वापस से टांग दिया है. एंड खिड़की पे जो प्लांट्स रखे उन्हें मैंने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की है. ये मेरा क्रिसमस ट्री है गाइस. लास्ट ईयर मैंने इसे सारा पार्ट पुर्जा खोल के वापस से रखा था बट इस साल मुझे हिम्मत नहीं थी तो आई हैव लेफ्ट इट लाइक दिस. ये मेरे ड्रॉइंग रूम की को और ब्यूटिफुल बना रहा है आई फील. सो आप भी मुझे बताओ कि ये ड्रॉइंग रूम के कोने को सुंदर दिखा रहा है या नहीं, या मुझे इसे वापस से फोल्ड करके अंदर डाल देना चाहिए. एंड दिस साइड की अगर बात करें तो यहाँ पे भी मैंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, इज दिस एज इट इज. एंड दिस इज द फ्रंट, व्हेन आप मेरे सोफे पे बैठोगे तो आपको ये एरिया दिखता है. एंड ये पार्ट है टीवी के लिए जो प्लग दिख रहा है. एंड इस जगह भी मैंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, इट्स एज इट इज. एंड नीचे फ्लोर पे डाला है मैंने ये कार्पेट, थोड़ा कलर ऐड करने के लिए मैंने डाला है कार्पेट, मैंने डाले हैं ये फ्लावर वास. So I hope you like this. And if you like this makeover, if you like, मैंने कुछ चीजें कैमरे के पीछे जाके भी आपको दिखाई हैं. अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा गाइस, मेरा ये ड्रॉइंग रूम का मेकओवर अच्छा लगा, आप भी इसे ट्राई करो. एंड मेरे इस वीडियो को थम्स अप देना, लाइक देना ज़रूर, कमेंट ज़रूर करना एंड बताना आपको ये लुक कैसा लगा मेरे ड्राइंग रूम में जो मैंने कुछ चीज़ें चेंज की. एंड गाइस मेरे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, हो सकता है वो भी इस तरह के वाइट कलर के सोफा कवर्स खरीदें एंड अपने घर को होली रेडी बनाए एंड समर रेडी बनाए गाइस स्पेशली, क्योंकि समर में वाइट कलर बहुत ही खूबसूरत लगता है. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड बेल आइकन को ज़रूर हिट करना ताकि मेरे आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आप तक जा सके. सो मिलते हैं मेरे आगे की वीडियोज़ में, और कल बनाती हूँ मैं होली, आप भी मनाओ हैप्पी होली गाइस इन एडवांस. तो मिलते हैं मेरे अगली वीडियो में. चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय.